हम आपको बीबी जान के दस्तरखान से कोल्ड केक बनाने की तरकीब सिखाएंगे। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। 2 पैकेट मैरी बिस्किट के आप लेंगे बड़े डब्बे, और उनको आपने ऐसे दो दो पीसेस में तोड़ लेना है। 1 कप अखरोट लेना है। 1 कप चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पैकेट क्रीम की आपको पड़ेंगे ज़रूरत। 1/2 कप किशमिश, 1/2 कप बादाम, 4 अदद अंडे, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब हम एक बाउल में इन 4 अंडों को तोड़ के निकालते हैं। इस केक के अंदर ये सारा मिक्सर एक साथ इकट्ठा हम लोग इसको बीट करेंगे। अब इसके अंदर कोको पो पाउडर डालेंगे 4 टेबलस्पून जो है। एक कप चीनी, 2 कप मलाई जो हमने क्रीम रखी थी वो डलेगी इसमें। ये कोल्ड केक बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आता है, वेरी इजी, बहुत शॉर्ट टाइम पे बनता है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं और शौक से बच्चे खाते हैं इसको, और ये झटपट तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और फिर इसको बहुत स्लो फ्लेम में हम लोग पकाएंगे। हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको खुले पैन की डेक्ची में शिफ्ट करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको डालना है और साथ साथ इसको चम्मच हिलाना है। ये अच्छी तरह से इसमें डालेंगे, इस मिक्सचर को पे रखना है इसको। अगर आपको मीठा थोड़ा और तेज़ चाहिए तो आप थोड़ी सी चीनी खुद भी और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस मीठा है जो 1 कप चीनी का हमने इसमें ऐड किया है। अब आप देखें इसके अंदर हल्के हल्के से लम्स बनना शुरू हो रहे हैं। अब ये हल्का हल्का थिक होगा तो फिर हम इसके अंदर बिस्किट्स और नट्स जो है वो ऐड कर देंगे। ये 3 से 4 मिनट में बिल्कुल स्लो फ्लेम में इस तरह ये थिक होना शुरू हुआ है। जैसे ये हल्का हल्का थिक होने शुरू हो जाए इसके अंदर आपने बिस्किट ऐड कर देने हैं। इसको ज़्यादा थिक नहीं होने देना, हल्का लिक्विड रहेगा तो उसमें ये इजीली कोट हो जाएंगे बिस्किट चॉकलेट में। और इसके साथ ही आपने किशमिश, बादाम और अखरोट को शामिल कर देना है, और इसको ज़रा जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि ये जो चॉकलेट है इसका मिक्सचर इसके अंदर अच्छी तरह सबके साथ लग जाए। और फ्लेम आपने बहुत स्लो रखनी है, ये देखें बहुत स्लो फ्लेम है ताकि आपका नीचे से लगे नहीं, क्योंकि ये स्टिकी होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून और डाल दें, लेकिन ये मीठा बैलेंस है, अगर आप इतना भी रखेंगे तो काफ़ी होगा। बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट चीज़ों को शामिल करके आपने इसको डालना है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, 1 से 2 मिनट कूल डाउन करने के बाद इसको हमने फॉइल पेपर पे डाला है, और इसको हम थोड़ा सा सेट करके इसको भी हमने फ्रीज करना है, इसको हमने फ्रीज़र में डालना है। ये देखिए ऐसे इसको एक लॉग की शक्ल दे देते हैं हम लोग, ताकि ये एक खूबसूरत सा लॉग बन जाए और फिर कटिंग में भी आसानी होगी।
बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े सब चॉकलेट्स के शौकीन होते हैं। ये घर में बड़ा इजी बन जाता है और इसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं आता और ये सब लोग शौक से खाएंगे। ये यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको हमने ऐसे करके इसको अब हम फ्रीज़र में डाल देते हैं। फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे आपने इसको फ्रीज के लिए करने के लिए रखना है और उसके बाद फिर हम इसको निकाल के इसकी कटिंग करके आप उसकी शेप दिखाएंगे। तैयार है, हमने इसको 5 से 6 घंटे तक फ्रीज़र में रखा था और आप ये देखें इसके अच्छे तरह से ये सख्त हो गया। अब हम इसको काट के आपको स्लाइस करके दिखाते हैं। ये देखें, ये जब भी आप काटते हैं तो उसके बाद फिर आप इसको जो बच जाए उसको फ्रीज कर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा कोल्ड केक तैयार है। यकीनन आपको ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में, आप इसको ज़रूर ट्राई करें घर में। आप इस डिश का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।